कैथल के लघु सचिवालय पर बुधवार को सर्व कर्मचारी संघ सीटू और एनएसयूआई द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन जेएनयू में फीसों की बढ़ोतरी और मानेसर के होंडा प्लांट से मजदूरों की छटनी के विरोध में किया गया था। प्रदर्शन करने वालों ने डीसी प्रियंका सोनी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन भी दिया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार फीसों में बेतहाशा वृद्धि करके जेएनयू जैसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान को तबाह करने की साजिश कर रही है। आइए इस संबंध में जरा सर्व कर्मचारी संघ के प्रेस सचिव सतबीर गोयल की बात सुन रहे हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा है जेएनयू के अंदर शिक्षा को बचाने के लिए विद्यार्थी जो संघर्षरत हैं, बढ़ी हुई फीसों को वापस करवाने के लिए संघर्षरत हैं, उनके समर्थन में आज हमने ये प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने डीसी मैडम के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो और लगातार हो रहे शिक्षा के ऊपर जो खतरे हैं उनको वापिस लिया जाए, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं बहुत कम फीस के अंदर वहां बच्चों की शिक्षा होती है। यहां तो फीस ली ही जाती है, विदेशों के अंदर तो जो एमिनेंट यूनिवर्सिटियां हैं वहां बच्चों की फीस लेने की बजाय उत्कृष्ट छात्र निकालने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आज जो जेएनयू के अंदर फीस वृद्धि की गई है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 10 से 300 रुपए सिर्फ रेंट की बात है, 10 से 300 की बात नहीं है। फीसें इतनी बढ़ाई गई हैं, 12-12 हजार रुपए तक की फीस बढ़ाई गई है। टोटल जो उनकी फीस बढ़ती है वो आज सारी यूनिवर्सिटियों में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आज कोई है तो वो जेएनयू बढ़ गई है। जबकि हमारा कहना ये है कि जेएनयू के अंदर बड़े टफ कंपटीशन के बाद देश की क्रीम क्रीम जाती है और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशनों के साथ कम्पीट करता है देश के अंदर। जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जिसने देश को 2 नोबल विजेता दिए हैं। आज हमारे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तक जेएनयू पर पड़े हुए हैं। हर साल सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट जेएनयू देता है, लेकिन जेएनयू को बदनाम करके इस देश में बच्चों की शिक्षा को बर्बाद करने की जो साजिश इस सरकार द्वारा की गई है उस साजिश के विरोध में आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ और जेएनयू के विद्यार्थियों के समर्थन में शिक्षा को बचाने और फीस वृद्धि को वापिस करवाने की। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जेएनयू के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।